नेशनल पार्क को देखने के लिए चार हाइकिंग ट्रेल्स हैं, विच इज दिस ए बी सी एंड के, और हम लोग करने वाले हैं बी या सी, और डिफरेंस क्या है? तो जो बी है वो 4 किलोमीटर्स के लिए है और जो सी है वो 8 किलोमीटर्स के लिए है। और ऑफ कोर्स अगर 4 किलोमीटर्स करेंगे तो 3 to 4 hours लगेंगे और 8 किलोमीटर्स करेंगे तो वो 4 to 6 hours लगेंगे। और डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा P2 पे, सो जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक तो सेम ही पाथ है, तो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हम लॉन्ग रूट करने वाले हैं, मतलब लॉन्ग ट्रेल करने वाले हैं या थोड़ा छोटा ट्रेल करने वाले हैं। वैसे ए और के भी ऑप्शन है, के सबसे लॉन्गेस्ट है और ए सबसे शॉर्टेस्ट है, बट हम बीच वाला करेंगे और लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। वो लोग ऑलरेडी आगे चले गए हैं बिकॉज दे आर वेरी मच एक्साइटेड, और हम लोग ये जगह सेकेंड टाइम आ रहे हैं। वैसे इस ईयर हम लोग इतने सारे कंट्रीज़ गए हैं जो हम सेकेंड टाइम कवर कर रहे हैं। सिमिलरली क्रोएशिया का ये पार्क भी हम सेकेंड टाइम आ रहे हैं, बट इट्स सो ब्यूटिफुल एंड सो अमेजिंग दैट इट्स वर्थ इट। नाउ लेट्स सी इट। हम लोग वॉक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वॉक कर रहे हैं बिल्कुल वाटरफॉल्स के बीच में। इस तरफ भी वाटरफॉल है और इस तरफ भी वाटरफॉल है, और इधर है ये लॉग्स, मतलब ये ऐसे लॉग्स का पूरा पाथवे बना हुआ है इस पार्क के अंदर, एंड इट्स सो वंडरफुल। पूरे वाटरफॉल्स के बीच में यू कैन वॉक, दैट्स नोवेयर एल्स, एटलीस्ट जितना मुझे पता है। अब चलते हैं और इस पार्क को और भी एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। Thank you.
आप भीड़ देख रहे हैं पीछे, जस्ट लुक एट. और ये ऑटम सीजन है, जुलाई का समर सीजन नहीं है, बट भीड़. वैसे भीड़ यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि ये है क्रोएशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल. इस नेशनल पार्क का तो है ही, बट क्रोएशिया का भी है. एंजॉय इट्स शॉट्स. And also the Bayern, we live in Bayern and it's fantastic. Yeah. All the mountains and we go hiking. Thank you guys. Thank you. Bahut crowded hai, isliye VR camera is going here and there. जो वॉकवे है ये तो बिल्कुल वॉटरफॉल के ऊपर ही बनाया है. यू सी कितने स्पीड से पानी आ रहा है, साइड से दिख रहा है और इसके नीचे भी आ रहा है, इतनी जोर से आ रहा है कि ऑन दिस स्टेप आई शो यू. ऑन दिस स्टेप पूरा ऊपर भी आ रहा है, इतने स्पीड से आ रहा है. एंड दिस वॉकवे इज ऑन द वॉटरफॉल. एडवेंचरस भी आई गेस. यहाँ का पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको यहीं से ऐसे खड़े हुए इतने सारे फिशेस दिख रहे हैं. स्कूबा डाइविंग करने की जरूरत ही नहीं है. हाउ मच क्लियर दिस वाटर इज. एंड कैन यू सी द रूट्स? डू यू सी द रूट्स ऑफ द ट्रीज? लुक केयरफुली. ये है ना, ट्री के रूट्स हैं जो सब जगह जा रहे हैं. What we are eating here? Khakra.
And this is brought by Barkha, Dubai se. Homemade khakras in Croatia. क्या हो रहा है मेगा? मेगा क्या हो रहा है? We are waiting for the boat and watching our pictures and videos. बोट में बैठने के बाद वैसे वो बोट ना इतना स्लो चल रहा था. हम लोग मजाक उड़ा रहे थे कि स्लोमो चल रहा है क्या. सो बोट से हम लोग पहुंच गए हैं P2. बट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, देन वी वेंट ऑल द वे अप टिल P3, फिर पूरा ऐसे कवर करते हुए हम यहाँ आ गए हैं P2. ये P2 मतलब P3 से वी केम ऑल द वे हियर बोट से P2. अभी we can do the bigger wala circle or we can do the smaller circle. So abhi hum ja rahe hain aage and I think we'll do the smaller circle. We'll come back to P2, fir chota boat karke P1 and then shuttle bus se we'll go back jahan humne hamara car park kiya hai. So that is the plan. Let's see kaisa hota hai. Thak gaye. Abhi to stairs shuru hui hai. Exactly. Aur hum kar rahe hain B route. To yahi decide kiya hai. So we are trying. Aur stairs dikhaye. Oh, wahan se aa rahe hain. और आज मॉर्निंग में मेरा ये माइक ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों वो चल नहीं रहा था. इसलिए एक ही माइक से कर रहे थे या बिना माइक के बोल रहे थे. बट जैसे हम लोग बैठे हमारा लंच करने के लिए वहाँ मैंने फिर ट्राई किया, चलने लग गया है अभी. यस, तो हम दोनों वापस बैक टू आवर व्लॉगिंग. बट आपको जगह कैसी लग रही है? हाँ, टेल अस. एक और डेस्टिनेशन हम लोगों ने इस साल सेकेंड टाइम कवर की. But this time it's different. क्योंकि हम कर रहे हैं बर्क और रॉडक के साथ. इस पार्क में इतनी सारी ब्यूटिफुल चीज़ें तो आपको दिखाई दी है और बता दिए. अब आपको दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़. लुक एट दिस. ये एक ट्री है, वो दिख रहा है आपको ऊपर ट्री, वो ट्री है और उसके रूट्स. सो उसके रूट्स हैं ये नीचे, बिल्कुल वैसे ही रूट्स हैं जैसे है ना बचपन में आई यूज टू ड्रॉ द डायग्राम. बिल्कुल वैसे ही रूट्स हैं, पूरे नीचे आ रहे हैं. सो समहाउ ना इसको कुछ तो खोद दिया है समहाउ, एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज रूट्स आर विजिबल. बट सो इंटरेस्टिंग इट इज़ लुकिंग. तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं और रूट्स और ट्रीज के बारे में या ड्रॉइंग ही करते हैं एंड यू वॉन्ट टू मेक रूट्स, दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली लुक्स. Beautiful it is.
और शाम हो गई तो यहाँ टूरिस्ट भी नहीं है यहाँ पर. सो वी गॉट दिस एंटायर प्लेस फॉर अस. हम लोगों को लगा कि हमारी ट्रिप ये पार्क का टूर खत्म हो गया है, मगर क्या हुआ मेघा? सो हम लोग गए थे उधर पूरा फॉलो करके P3 स्टेशन 3 पे जाने की कोशिश कर रहे थे, बट व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि वो सब बंद हो जाएगा और वहाँ से शटल नहीं चलेगी एंड वी आर ऑलरेडी लेट. तो अब हम वापस पूरा वॉक करके जा रहे हैं टूवर्ड्स एंट्रेंस 1 क्योंकि एंड द सनसेट इज हैपनिंग. सो हम सनसेट पे देखेंगे ये पार्क. और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ हम ही लोग हैं, वर्खा, रौनक, मेघ एंड सौरभ. सो इट्स हमें सनसेट में ही इसके डिफरेंट कलर्स को चेंज होते हुए देखेंगे. हाँ, बट बात ये बता रही थी कि पूरा वॉक करते हुए वापस एंट्रेंस पे जाना है, नहीं तो यूजुअली आप शटल करके जा सकते हैं. अगर शटल हो जाती है बंद शाम को, उसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं 4:30 था कि 5 o'clock था, बट जो भी है बंद हो गई है. सो अगर आपको इतना वॉक नहीं करना है, ऑलमोस्ट 1 hour का वॉक है अब, तो अगर आपको इतना वॉक नहीं करना है देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो शटल कैच कर ले एंट्रेंस से. बट हम लोग को कोई कम नहीं बिकॉज सनसेट हो रहा है एंड यू गाइस नो कि हमें सन कितना अच्छा लगता है, मतलब सनसेट देखना. सो एंजॉय द शेड्स एज वेल यू आल्सो. व्हेन वी वेक हियर द बर्ड्स एंड सी द सन साइड बाय साइड आवर फेसेस आर डन ऑल द गुड टाइम्स जस्ट बिगन. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Beautiful it is. Actually, में sunset के time में it's looking at another level, huh? So pretty. But the thing is कि यहाँ हो जाएगा full अंधेरा और इसलिए हम चाहते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा light हो तब तक वहाँ पहुँच जाए और पूरा 1 hour का है to work back और sunset हो गया इसका मतलब वही फटाफट से पूरा रात हो जाएगा. So that's why we are walking very fast. You see the reflections of sun. Actually, इस आर को ना गोल्डन आर भी बोलते हैं और बिकॉज अभी ऑटम सीजन चल रहा है तो सब कुछ येलो ऑरेंज है और क्योंकि जब सन सेट हो रहा था ना तो वो जो पूरे पाथ से हम लोग आ रहे थे ना दैट बिकेम ऑरेंज एंड येलो. बहुत ही अच्छा लग रहा था बट अभी भी हमारा वॉक कंटिन्यूड है इसलिए वैसे आई एम एन्जॉइंग इट. एक्चुअली आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट, इज जस्ट दैट वी हैव टू बी बिट क्विक क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बट यहाँ अंधेरा हो जाएगा. लेट्स गो. आई रिमेम्बर अपन यहाँ बैठे थे पिछली बार बस का वेट करने के लिए. हाँ. ऐसी कोई जगह है ना. राइट. अब ऑलमोस्ट डार्क हो गया है. कैमरे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट कर देता है बट इट्स कम्प्लीटली डार्क और क्या हम पहुँचेंगे कि नहीं वो देखना है. So, see that in the next video. और बरखा रौनक है वो हमसे भी आगे आगे चल रहे हैं एंड हमें भी अब जल्दी चलना चाहिए.